हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इमोस्कायर एंड सिना ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे इमोस्कायर। के स्टूडेंट्स, इमोस्कायर दैट मींस नॉलेज ऑफ साइंस, मी इटसेल्फ जेपी सिन्हा, ओके, फ्रॉम एकलव्य एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर वी हैव टेकन द मोशन पार्ट 7th टॉपिक। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं अभी, वो मोशन का पार्ट 7th है, ओके। एंड ये लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में मैंने बताया था कि कुछ सर्कुलर मोशन का स्टडी करेंगे एंड सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ग्राफ, ग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का पहले कुछ थ्योरी ले लेते हैं एंड देन आफ्टर ग्राफ के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट नाउ। हियर आई एम टेकिंग द टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन। सो फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन इट। सो एज द डेफिनेशन वी कैन से दैट द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन एनी सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। किसी सर्कल वाले पाथ पे अगर मोशन होता हो कोई बॉडी का गाइस, ओके, देन दिस विल बी नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में भी दो टाइप्स होते हैं, एक जो हो जाएगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा जो हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके गाइस, तो अब यूनिफॉर्म वाला सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वाला किसको कहेंगे, इसको समझिए। तो जब कभी सर्कुलर मूवमेंट हो रहा हो एंड द बॉडी मेंटेन इट्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, देन इट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड इफ द बॉडी डज नॉट मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इट विल कॉल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके गाइस, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग कह सकते हैं विद अ सर्कुलर मोशन इन विच द सर्कुलर मोशन इन विच वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉन्स्टेंट। मूविंग बॉडी का वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, देन दिस विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब डिफाइन करना हो तो इसको कैसे कहेंगे, सेम वे द सर्कुलर मोशन इन विच वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज नॉट कॉन्स्टेंट, जब इसका बॉडी का वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं हो, देन दिस विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके गाइस, तो ये सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कशन हो गया कि किसको कहेंगे। अब आते हैं सर्कुलर मोशन जब भी होता है किसी भी बॉडी का, तो उसमें बॉडी के थ्रू जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है या बॉडी की जो वेलोसिटी निकाली जाती है वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे फिर ले रहे हैं कैलकुलेट करने से रिलेटेड, वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी या सिंपली आप इसको सिर्फ वेलोसिटी भी कर सकते हो बाबू, ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ पे जो बॉडी का एवरेज वेलोसिटी या सिर्फ वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, इसको हम लोग निकालते हैं। तो इसको डिफाइन किया जाता है बाबू इस तरह कंसीडर करके कि लेट सपोज ये एक सर्कुलर पाथ था, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमने आर लिया और इस पे ये कोई बॉडी है जो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये जा रही है ये बॉडी। ओके, तो ये बॉडी बाबू जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा ये पूरा एक सर्कल में, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो दिस डिस्टेंस विल बी सर्कमफेरेंस, ये डिस्टेंस इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। ओके, एंड जो टाइम टेकन किया जाएगा वो सपोज कर लो कि उसी तरह से टाइम जो कुछ लगा वो टी टाइम इंटरवल लगा, कितना टाइम इंटरवल लगा, टी। तो हम लोग इसका जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ इस पाथ पे, तो वो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके गाइस, तो यहाँ डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो 2πr कवर हुआ है, तो ये हो जाएगा 2πr बाई t।
क्योंकि टी टाइम इंटरवल में वो ऑस्किलेट किया है, रोटेट किया है, तो इसको ये कहेंगे। और डिफाइन करके क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसको, कि द वेलोसिटी अकर इन बॉडी फॉर कंप्लीटिंग वन सर्कल या वन सर्कुलेशन अराउंड सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी ऑन सर्कुलर मोशन। ओके गाइस, ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो टोटल पाथ कवर हुआ है, उस टोटल पाथ को कवर करने में जो भी बॉडी की वेलोसिटी रही हो, ओके, टोटल पाथ को कवर करने में, मतलब पूरा सर्कमफेरेंस को कवर करने में, सर्कमफेरेंस मतलब 2πr, तो 2πr को कवर करने में जो भी बॉडी की वेलोसिटी रही हो, दैट विल बी नोन एज इट्स एवरेज वेलोसिटी फॉर द सर्कुलर मोशन। ओके गाइस, तो सर्कुलर मोशन पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे लिए 2πr/T। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, बिकॉज सर्कुलर मोशन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ एंगुलर बातें आती है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना, है ना। तो कॉमनली तो आपको जो क्लास 9th में जितना भी क्वेश्चंस वगैरह देना है वो यहीं तक देगा, इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं देगा, बट फॉर आगे के कुछ और थ्योरीज के लिए, क्लास 11th तक के कुछ स्टैंडर्ड्स के स्टडीज के लिए या कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए हम लोग और डाटा लेते हैं और सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे मिलता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर फोर्स, जिसमें एंगुलर फोर्स में दो तरह के फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उन चीजों को अभी हम लेके देखते हैं, तो मैं इसको इरेज करता हूं, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट। ओके गाइस, आप स्नैपशॉट इसका ले सकते हो, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स, आई हैव इरेज इट एंड आई एम टेकिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा सेकेंड टॉपिक हुआ यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी ये मैंने एवरेज वेलोसिटी देखा था पहला टॉपिक, अब ये दूसरा टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन चीजों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको कहा जाता है कैलकुलेट करने के लिए गाइस। ओके, तो देखो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि बॉडी कभी भी किसी सर्कुलर पाथ पे जितना भी ये डिस्टेंस कवर करे, ओके, तो इसका ये एक प्रोजेक्शन होता है जो इसके सेंटर पे आता है, और ये सेंटर पे जो प्रोजेक्शन आता है वो किसी एंगल के फॉर्म में आता है। लेट सपोज ये थीटा एंगल के फॉर्म में आया, तो जिस भी फॉर्म में ये आता है यही हमारा क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा क्या कहलाता है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यू कैन डिफाइन इट एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कि द डिस्टेंस कवर्ड ऑन द सर्कुलर पाथ, डिस्टेंस कवर्ड ऑन सर्कुलर पाथ पाथ मस्ट प्रोजेक्ट एन एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके गाइस, इसी एंगल को हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा। किसी से डिनोट होता है गाइस, थीटा से। ओके, तो हम लोग यहाँ थीटा के बारे में जब स्टडी करेंगे कि ये थीटा कितना होगा, तो आप इसके लिए फॉर्मूला ले सकते हो, थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, L/R हो जाता है। ओके, अब ये आप कहोगे कि सर ये कैसे आया, तो कैसे आया उसको मैं बताता हूँ गाइस। देखो, जब तुम यहाँ पे लेंथ को कंपेयर करोगे बाकी डाटा से, तो यहाँ ध्यान से देखना कि लेंथ कितना होना है और यहाँ पे एंगल कितना होना है। ओके, तो जब ये पूरा लेंथ कवर कर लेगा एक रोटेशन पूरा, तो ये 2πr कवर होगा, और ये कितने देर में होगा, 360 डिग्री में। कितने देर में होगा, 360 डिग्री में। ओके, क्योंकि पूरा 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहीं से हम लोग क्या करने वाले हैं,
अगर ये 360 डिग्री में कंप्लीट होने वाला है तो हम लोग 360 डिग्री ये थीटा के इक्विवेलेंट आया और एल जो है ये इसके इक्विवेलेंट आया, 2 पाई आर के इक्विवेलेंट आया। तो हम लोग अगर यहाँ से कोई भी एक डाटा निकालते हैं, लेट सपोज अगर आर ही निकालते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये 360 जो है थीटा का वैल्यू कर सकते हैं 360 इंटू थीटा, जो मेजरमेंट था थीटा का तो उसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, तो 360 इंटू थीटा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस? 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो ये 2 पाई जैसे ही हो जाएगा तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि 2 पाई में पाई का वैल्यू बाबू होता है 180 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 180 डिग्री जो आ जाता है 360। तो फिर ओवरऑल क्या होगा कि ये पार्ट जो है कैंसिल हो जाएगा 360 के साथ और आर रिस्पॉन्ड लेगा किसके लिए? थीटा के लिए लेगा। आर किसके लिए रिस्पॉन्ड लेगा? थीटा के लिए रिस्पॉन्ड लेगा। तो आर जब थीटा के लिए रिस्पॉन्ड ले रहा है तो हम लोग यहीं से लेंथ का डिस्कशन कर सकते हैं कि लेंथ जो होगा वो बॉडी पे कवर किया हुआ जो लेंथ होगा वो आर एंड थीटा के रेस्पेक्ट में निकलेगा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। अब आर एंड थीटा के रेस्पेक्ट में निकालना है तो हम लोग इसी कैलकुलेशन को लेकर के चलते हैं और लेकर के इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्लास 9th के जस्ट बाद जब क्लास 10th में आप जाओगे तो वहां पर आपको सर्कल नाम का मैथ्स का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जब हम लोग आर्क कैलकुलेट करते हैं किसी भी सर्कल का, ये आर्क, तो आर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लेंथ लेते हैं एल। क्या लेते हैं? लेंथ एल। और इसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर अपॉन थीटा। क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क बाबू पूरा का पूरा एल के जगह हम अगर 2 पाई ले रहे हैं, क्योंकि 2 पाई आर ये पूरा लेंथ हो जाएगा, तो ये पूरा लेंथ आएगा एल लेंथ के लिए जिस समय, उस समय ये वैल्यू थीटा का क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में अगर ये 2 पाई आर लेंथ कवर हो रहा है तो इसी तरह एल लेंथ जो कवर होगा वो कितने में होगा? तो एल लेंथ कवर के लिए 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा वैल्यू? आर इंटू थीटा। क्या वैल्यू बन जाएगा? आर इंटू थीटा। तो गाइज यही वैल्यू को हम लोग यहाँ पे जब पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन आ जाता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा का वैल्यू जो है वो एल अपॉन आर लेकर के आता है और यही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके गाइज, आई होप सो ये आप समझे होंगे। ओके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को। तो तीसरा पॉइंट जो हम लोग ले रहे हैं वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये किसको कहेंगे? तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सबटेंड ऑन सेंटर इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओके गाइज, इस वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं और ये डिनोट होता है ओमेगा से। इट इज डिनोटेड बाई ओमेगा। ओमेगा डब्ल्यू जैसा सिंबल होता है जो ऊपर कर्व करके लिखा जाता है, इसको ओमेगा कहते हैं। तो ये ओमेगा से रिप्रेजेंट होगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू, जब हम लोग यहाँ निकालते हैं कि क्या आएगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला आता है वी अपॉन आर। क्या फॉर्मूला आता है? वी अपॉन आर। वी जो आपका लीनियर वेलोसिटी होता था 2πr/T करके आता था, ये वाला वेलोसिटी अपॉन आर, आर के साथ रिलेट करके ले लेते हैं गाइस। ओके तो ये हमारा आ जाता है ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब कहोगे ये कैसे आया? तो बाबू इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हम लोग इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकते हैं, यानी थीटा बाई आर टी लिख सकते हैं गाइस। तो थीटा का वैल्यू ऊपर देख चुके थे एल बाई आर होता है, तो एल बाई आर लिखें, ये नीचे टी था टी लिख दिए। एल एक तरह का डिस्टेंस है, टी टाइम है, तो एल डिस्टेंस बाई टाइम जो होगा वो वेलोसिटी कहला जाएगा। तो ये आ गया वेलोसिटी बाई आर। तो हमारा ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया? वी अपॉन आर। इससे निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ओके अब चौथे पॉइंट पे मूव करते हैं तो हम लोग आता है अगला पॉइंट एंगुलर एसेलरेशन। एंड गाइस एंगुलर एसेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसी तरह से करके कि एसेलरेशन ऑफ द बॉडी
of the body on circular path, on circular path, taking the angle subtended at center is called एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके गाइस, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं. तो ये जब हम लोग रिलेशन देते हैं यहां एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो यहां पे वैल्यू आता है अल्फा. इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं गाइस. और अल्फा इक्वल टू फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर. क्या होता है फार्मूला? वी स्क्वायर अपॉन आर. ये फार्मूला कहां से आता है भाई? तो ये फार्मूला था हमें फोर्स से. जो सेंटीपेटल फोर्स का फार्मूला लगाते हैं वो होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर. ऐसे फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हो थोड़ा मोड़ा, आप जानते हो एम इंटू ए होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एम एम कैंसिल होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया? बी स्क्वायर अपॉन आर. तो ये बी स्क्वायर अपॉन आर एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है. तो ये सारे टर्म्स हम लोगों ने पढ़ लिया. अब दो टॉपिक्स और हैं इस सर्कुलर मोशन में, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीब्यूगल फोर्स, जिसको आप कह सकते हो एंगुलर फोर्स. तो मैं इसको इरेज करता हूं और वो दोनों टॉपिक लेता हूं गाइस. यू कैन टेक अ स्नैपशॉट फॉर दिस. ओके गाइस, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर फोर्स. एंगुलर फोर्स हम लोग लिए हैं अब टॉपिक. तो एंगुलर फोर्स में दो तरह का फोर्स होगा, एक सेंट्रीपिटल वाला फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल वाला, और एक जो होगा फोर्स गाइस वो होगा सेंट्रीफ्यूगल वाला. क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल वाला फोर्स. ओके, तो ये दो फोर्सेस हैं. अब इन दोनों फोर्सेस को जरा सा समझो कि ये कहां पे कैसे एक्ट होता है गाइस. तो सेंट्रीपिटल वाला जो फोर्स है वो सर्कुलर मोशन में सेंटर के तरफ होता है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, और जो बाहर की ओर इसको ले जाता है, हमेशा कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो इसको टेंजेंट की तरफ जो ले जाता है वो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके गाइस, तो इन दोनों ही फोर्सेस का वैल्यू इक्वल होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके गाइस, ये दोनों फोर्सेस हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं. तो एक दूसरे के अगर इक्वल होते हैं इसलिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी अपने आप को मेंटेन कर लेता है और ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है. अगर इनमें से एक भी ज्यादा या कम हुआ स्टूडेंट्स, तो या तो बॉडी अंदर की ओर आ जाएगी या तो बॉडी बाहर फेंका जाएगा. जैसे एग्जांपल के लिए आप एक अगर रस्सी में एक कुछ बांध लो, छोटा सा स्टोन या कुछ बांध लो, उसको घुमाते हो तो आप देखते हो वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है. अगर आप उसको बहुत तेजी से घुमा दो तो वो स्टोन क्या होता है? निकल के फेंका जाता है बाहर टेंजेंट की तरफ. क्यों? क्योंकि उस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया. और अगर आप उसको धीरे धीरे स्लो कर देते हो तो वो सेंटर की तरफ आके गिरने लगता है, तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया. तो कोई भी एक ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी का जो सर्कुलर मोशन कंटिन्यूअस था वो इरेगुलर हो जाएगा एंड सर्कुलर मोशन को वो ट्रेवल करना बंद कर देगा. ओके गाइस, तो इसलिए इन दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए. और इन वैल्यूज को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसी का फॉर्मूला होता है हमारा एम बी स्क्वायर अपॉन आर. तो चाहे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा. एंड इसको बात रहा डिफाइन करने का गाइस, एंड इसको बात रहा डिफाइन करने का गाइस, तो डिफाइन करने के तरीके में हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके बोल सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड्स सेंटर फॉर सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? सेंट्रीपिटल जो टुवर्ड्स सेंटर लगे, टुवर्ड्स सेंटर. एंड सेंट्रीफ्यूगल कैसे बोल सकते हैं गाइस? सेंट्रीफ्यूगल को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? तो इसको डिफाइन करके बोल सकते हो कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड्स टेंजेंट फॉर सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके गाइस,
तो आप इस तरह से सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफाइनिंग कर सकते हो कि जो सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा हो दैट विल बी नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड जो सेंटर से अवे टेंजेंट की तरफ हो रहा हो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो सर्कुलर मोशन का ये कुछ आपका डाटा था स्टूडेंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग वेलोसिटीज का और उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट फॉर इट। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर यू कैन सी आई हैव टेकन अ ग्राफ, एक ग्राफ मैंने लिया है और इस ग्राफ से रिलेटेड सपोज करो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्वेश्चन ये सारे हैं आपका कि फाइंड फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से फाइंड करो, ग्राफ जो दिया हुआ है उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हालांकि ऐसे भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इट इज डिनोटेड हियर कि इट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऐसे भी देख सकते हैं। और क्या क्या फाइंड करने कहा गया, फाइंड फ्रॉम द ग्राफ क्या क्या आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए है कि एक्सेलरेशन निकालो, है ना, ऑप्शन ए मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए एक्सेलरेशन निकालो। क्वेश्चन बी है डी एक्सेलरेशन निकालो। क्वेश्चन नंबर सी है डिस्टेंस कैलकुलेट करो कि डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा। और ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर डी है ये कि ये बताओ कि विच टाइम द बॉडी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहाँ पर था ये बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इतना क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। अब इसको सपोज करो अगर हम लोग बनाने जाते हैं तो देखो पहला जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, जो हमें सॉल्यूशन करना है या आंसर करना है, ओके, वो ए पार्ट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए करना है। तो एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है, तो देखो मैंने पढ़ाया था कि बॉडी में जब यहाँ से वेलोसिटी का इंक्रीमेंट आता है या डिक्रीजमेंट होता है तो उसी समय एक्सेलरेशन होता है। तो इंक्रीमेंट के समय एक्सेलरेशन होगा, डिक्रीमेंट के समय डी एक्सेलरेशन होगा, तो दो क्वेश्चन तो हमें इससे बन जाएगा। तो चलो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन इंक्रीमेंट वाला से मिलेगा, तो इंक्रीमेंट वाला एक्सेलरेशन स्लोप से निकलेगा, स्लोप का वैल्यू होगा बाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ओके गाइस, तो बाई एक्सिस का पार्ट देखो ये कितना कट किया है, 8, तो 8 हमने लिखा है ना, 8 माइनस 0 लिख सकते हो, 8 से 0 तक का डिस्टेंस था। और यहाँ पे देखो 4 माइनस 0 लिख सकते हो, 4 से 0 तक का डिस्टेंस था। तो 8/4 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो गया गाइस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड था हमारा डीएसएलएसन कैलकुलेट करने का, तो डीएसएलएसन भी स्लोप से निकलेगा, तो स्लोप इज इक्वल टू हम लोग फिर से वही करेंगे, बाई एक्सिस का पार्ट डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस का पार्ट लेंगे स्टूडेंट्स। अब जैसे ही ये लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप वाला पार्ट देखो ये 8 तक था और फाइनल 0 पे चला गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 8। ओके, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना था, 9 to 7 के बीच था ये डीएसएलएसन, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 7, ठीक है, क्योंकि फाइनल 9 है इनिशियल 7 है, तो ये हो जाएगा -8/2, कैंसिल आउट करोगे तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। एंड बिकॉज ये पहले ही बोल दिया गया डीएसएलरेशन, तो इसको पॉजिटिव करके लिख देंगे और क्या आंसर हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइस, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर सी देखते हैं, सी क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। तो डिस्टेंस जो कैलकुलेट करना है वो एरिया अंडर द ग्राफ करके होता है, तो इसके अंडर का ये पूरा एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तो एरिया निकाल लेंगे तो यहाँ हम लिख लिए हैं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए एरिया लेना होगा, एंड एरिया का फॉर्मूला हाफ इन टू सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, पैरेलल साइड्स, ओके, एंड इन टू हाइट होता है। तो हम लोग देखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड में कौन कौन सा साइड आएगा, तो पैरेलल ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, तो इसका लेंथ कितना है गाइस, 4 से लेके 7 तक, यहाँ 4 पॉइंट था 4 एंड यहाँ 7 था, तो 4 to 7 यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ, 3 यूनिट हुआ। ओके गाइस, कितना यूनिट हुआ, 3 यूनिट, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू, नीचे वाला कितना यूनिट हुआ पैरेलल साइड, 9 यूनिट हुआ, तो 3 + 9 हो गया इंटू इसके बीच का गैप कितना है गाइस, इसके बीच का हाइट कितना है देखो, तो यहां से हाइट आपको पता चल जाएगा 8 है, तो आप इसको 8 लिख दो, तो हो जाएगा हाफ इंटू 9 and 3 12 into 8, इसको 6 टाइम कैंसिल आउट करो एंड 6 at 48, तो 48 मीटर डिस्टेंस कवर होगा गाइस। ओके, ऐसे निकाल लेंगे। एंड लास्टली डी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर डी सेज
कि विच टाइम द बॉडी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन हुआ था तो ये यूनिफॉर्म हो नहीं सकता है, यहाँ डीएक्सेलरेशन हुआ था ये भी नहीं हो सकता है, तो यूनिफॉर्म कहां से कहां तक होगा, यहां तक, तो 4 to 7 सेकेंड, है ना, 4 सेकेंड to 7 सेकेंड बॉडी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके होंगे ग्राफिकल वाले, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में फिर हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे आपको जो है डाउट सेशंस कुछ हम देते रहेंगे 1 PM में लाइव होकर के, तो आप उन डाउट सेशन में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर स्टूडेंट्स मैंने आपको अपना पेजेस बताया है, जो मेरा पेजेस है आपको @mosky.com है ना, @mosky ट्विटर पे जाओगे तो है ना, ये ट्विटर पे हो गया, अगर आप FB पे जाते हो तो FB/mosquire है स्टूडेंट्स, अगर आप इंस्टा पे आते हो तो insta/mosquire है, तो इन पेजेस पे जाकर के भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप वहां भेज देना क्वेश्चंस, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। ओके गाइस, तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई तरह का सजेशन या कोई भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, ओके स्टूडेंट्स, एंड सुरक्षित रहें, बाय बाय, फिर मिलते हैं।